हेलो जी, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और इनको मैंने अभी उठाया है। देखिए, लगभग इनको 3:30 बजे से सो रहे होंगे ये। हाँ, 3:30-4 लगा लो आप। और अभी उठाया ना, तभी मुझे डांट लगा रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी, क्यों उठाया मुझे, दोबारा चाय बना के लाई हूँ, यूँ कह रहे हैं क्यों उठाया। अब इनको ये नहीं पता, 15 मिनट बाद में इनको पढ़ाना भी है, क्लास भी है, वो चीज़ तो दिमाग में रहती नहीं है। जब दिमाग में आएगी ना, तब डांट लगाएंगे मुझे ही नहीं, क्योंकि सारा फ़र्ज उठाने का भी हमारा ही फ़र्ज है, और इनको मतलब इनके जो डांट सुनने का फ़र्ज भी हमारा ही है, ना उठो तो नहीं। अभी आ रहे हैं वॉशरूम जाके, मैं चाय पीती हूँ, आप भी पी लीजिए। देखो, मैं पहले ही जूठी कर रही हूँ, अभी पी लीजिए। क्यों डांट मार रहे हो? हैं, बहुत अच्छी नींद आ रही है। टाइम देखा एक बार? पढ़ाना नहीं है, छुट्टी करनी है क्या? पढ़ाओगे फिर? कब पढ़ाओगे? रात को? हाँ, घूमने जाओगे रात को? तब क्या लो जी। और ये इतनी सारी चाय पी के ही इनके जो दिमाग की बत्ती है वो जलेगी, अभी ये थोड़ा नींदों में ही है। और उठते ही अपना फ़ोन ले लेते हैं, देख लीजिए आप लोग भी। आवाज़ कम कर लो ना इसकी, प्लीज़। तो ही देखिए, मैंने जब ये सो रहे थे ना, तो उसके पीछे से कपड़े फोल्ड भी कर दिए सारे के सारे। ये सुबह आज लाइट नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से कपड़े धुले। 12:30 बजे के करीब लाइट आई थी। और आप लोग सोचते होंगे किस तरीके से चाय पीती हूँ ना मैं, उल्टे हाथ से, तो मेरा चाय पीने में उल्टा हाथ चलता है। और देखिए, जला हुआ था, अभी तक ठीक नहीं ठीक हुआ। इसका जो निशान होता है ना, धब्बा, वो नहीं गया है। वैसे तो कभी का ठीक हो गया ये। और हाँ, आप लोग मेरे पास कमेंट करके बोलते हो कि आप आईब्रो बनवा लो दीदी। तो जी, कल गुरुवार था और परसों के लगभग आपका कमेंट आया था ना, तो पहले गुरुवार आ गया। अभी मौसम ऐसे चल रहा है तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है, कहीं फिसल विसल जाऊंगी, है ना। जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा, तब मैं ये जो मेरी भ्रुकुटियाँ हैं इनको बनवा के आ जाऊंगी पक्का से। लेकिन हाँ, ये मूछें नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि ये मेरी शान है, मुझे बहुत दर्द होता है। हंस क्यों रहे हो? मतलब मुझे दर्द होता है, मैंने आज तक कभी भी नहीं बनवाई है। तो अम्ब काटोगा? दिल यूँ कर रहे हैं, मुझे काट दूंगा। उनको ऐसे कैसे काट दोगे? फिर दाढ़ी बनाया करूंगी मैं, अगर एक बार रेजर से कर दिया ना। नहीं जी, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर आपकी तरह मैं भी दाढ़ी मुझ बनाया करूंगी, इतनी बड़ी बड़ी आ जाएंगी। वैसे मेरी दाढ़ी भी है, कभी कभी सेविंग करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है? तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी देखिए, बारिश फिर से शुरू हो गई है और हम सब आए हैं छत पे और अभी वापस जा रहे हैं नीचे। गोलू भी आ रही है वीडियो में, और ये गोलू भी है वीडियो में, देखो इसको बारिश में भीजने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। चलो बेटा नीचे, गिर जाओगे नहीं तो। चलो जी, आप भी चलो चलो चलो। क्या हो गई? क्या खराब हो गई? अच्छा, चाचा जी, तो हमारी जो टाटा स्काई वाली जो ये है छतरी, ये ख़राब हो गई, ये बता रही है ये सू आप लोगों को, ठीक है? तो राम जी ने ये हालत कर रखी है, फिर से वही मौसम कर दिया। सुबह थोड़ी देर धूप निकली थी मेरे कपड़े सुखाने के लिए, अब फिर से चली गई धूप तो, और आ गई बारिश, तो चलते हैं नीचे धोने बर्तन। Thank you.
हाँ तो जी, फाइनली सभी लोग स्कूल जा चुके हैं। तीनों पापा जी, देवर जी और यसु के पापा, तीनों जा चुके हैं। और मौसम हो रहा है फिर से ही वैसा जैसे पिछले 3 दिन से है। बहुत ही गंदा मौसम है। और मम्मी जी गए हैं मार्केट, सब्जी मंडी, सब्जी लेने के लिए, ठीक है। और यसु सो रही है। मैंने सबका हालचाल बता दिया अब आपको। और अब मैं करने वाली हूँ घर का काम। पूरा घर बिखरा हुआ है। क्या है कि इस मौसम में एक तो मौसम इतना गंदा, ऊपर से जब सब लोग घर से चले जाते हैं ना, उसके बाद ही काम ठीक से हो पाता है। नहीं तो चाहे कितनी साफ़ सफाई कर लो, उनके जाने से पहले जाते जाते सारा घर गंदा करके ही जाते हैं। नहीं और बर्तन भी उनके बाद ही होते हैं, कपड़े भी वो नहाते हैं तभी मिलते हैं। तो सारा काम तो पड़ा ही है, वो करना है। तो सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता कर लिया। क्या है कि भूखा रहना मेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं है इस हालत में। और फिर मैं एक बार भूल जाती हूँ ना तो सीधे 12 ही बज जाते हैं फिर, और फिर इनकी डांट सुनने को मिलती है। क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया मैंने सोचा कि आज पहले अपना ये वाला काम करती हूँ खाने वाला, उसके बाद में जो है बाकी घर का काम करेंगे। और जी मैं आपको बता दूँ, यहाँ हमारे इधर इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है कि हमारे इधर पीछे मोड़ा वाली मंदिर है। सब्जी बेचने वाले हैं, है ना। तो इधर जो मंदिर है वहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब नदी जो है ना, इधर से नदी आया करती पहले, वो फिर से एक बार नदी आ गई है, समझ लीजिए। जो बारिश हो रही है इस वजह से, और SDM ने भी ऑर्डर दे दिए हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे ना उन सबको घर से निकाल दिया गया है। सोचिए वो लोग कहाँ जाएंगे। और इतना जो पानी आ रहा है ये पता नहीं कितना नुकसान करेगा, कितने लोगों के घर बर्बाद कर देगा। क्या है कि सोचो अगर 2 दिन भी हमारे घर में पानी रुका रह जाए तो कितनी बुरी हालत होती है। और जिन जो लोग बेचारे घरों में रह रहे हैं और उनके घरों के अंदर पानी ऐसे घुस गया है, और जब SDM ने ही कह दिया है कि तुम यहाँ से निकल जाओ जब तक ये हालात ठीक नहीं होते, तो बताओ वो लोग क्या करेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस चीज़ की सोच सोच के। और आज मैं होसकेगा तो देख के भी आऊँगी कैसे हालात हैं। मेरे को तो पापा जी ने बताया था, मंदिर जाते हैं ना पापा जी रोज साइड, तो पापा जी ने बताया था उधर समझ लो बहुत बेकार हालात हो रखे हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या सिचुएशन है। वैसे सिचुएशन तो ख़राब ही है जब घर से निकालने के आदेश दे दिए हैं SDM ने। नहीं तो जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए कि भगवान कहीं तो सूखे से मार देता है और कहीं ऐसे बाढ़ करके मार देता है। या तो आ ही नहीं रहा था बारिश, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और अब आ रही है तो इस तरीके से आ रही है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन हो गए, अब आज देख लो मौसम, आज भी उतना ही बादल है और पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में कोई क्या करे, कहाँ जाए बताओ। तो हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कर लेती हूँ घर का काम, नहीं तो मम्मी जी आएंगे ऐसे कहेंगे कि बहू रानी बैठी हुई थी, कोई काम वाम ही नहीं किया। ठीक है, बाय।